आई डोंट नो ऐसी वीडियोस के बारे में कोई बात करता भी होगा या नहीं करता होगा, एग्जैजरेट करना सीखो सिंपल वे में 18, 19, 20, 21 ठीक है, और 16, 17 भी ले लो तुम, ठीक है। इस एज में मैक्सिमम लोग, तुम्हारे दोस्त के भाई, तुम्हारे दोस्त के चाचा चाची, तुम्हारे दोस्त के पापा मम्मी, तुम्हारे खानदान के काफी सारे लोग, ठीक है, टीचर्स वगैरह भी, और कोई रैंडम इंसान भी, अगर तुम सोशल पर्सन हो, रैंडमली बात करते हो लोगों से, वो भी एक चीज पूछेगा, व्हाट आर यू डू फॉर लिविंग, या फिर व्हाट आर यू डू फॉर लिविंग नहीं पूछेगा, ये मैंने एक इंस्टा रील वाली बात कर दी, बट वो पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। और एक लेवल पर मैं क्या कर रहे हो कभी जवाब दे दूंगा कि यार वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, सीरियस वे में बता रहा हूं, पहले मैं एग्जैजरेट कैसे करते वो भी बताऊंगा, जो मेरी टेक्निक है, जो मैं सोचता हूं कि यार ये काफी काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि तुम्हें जाननी चाहिए एज अ मैन, ठीक है, एंड एज अ ग्रोइंग मैन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जो सीरियस चीज होती है जो तुम बता देते हो कि यार वीडियो बना रहा हूं या फिर इस चीज की पढ़ाई कर रहा हूं, उस चीज की पढ़ाई कर रहा हूं, अब देखो तुम अगर एकदम सीरियस प्रोफेशन में हो तो तुम्हें लंड फर्क नहीं पड़ता, तुम बोल सकते हो यार मैं MBBS में हूं, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं IIT में हूं, ठीक है, वो अलग है, वो बेस्ट है भाई, उसमें झूठ भी नहीं बोल रहा, उसमें सच भी नहीं बोल रहा, उसमें बस जेन्युइन बोलना है, ठीक है, जो है वो है, ठीक है। बट हाँ उसमें भी टेंशन होती है कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बट मैक्सिमम वहां पर सॉर्ट आउट चीजें होती है, उसके अलावा तैयारी कर रहा हूँ, बट तैयारी का पता है कुछ हो नहीं रहा क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बकचोदी को लेकर, वो देख लेना, ठीक है, वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा या फिर कुछ होगा नहीं, या फिर डाउट्स है बहुत सारे, या फिर लोग खुद कह देते हैं कि यार इससे क्या होगा, कुछ साइड हसल ट्राई कर, उस टाइप की चीजें आ जाती है, वो देख सकते हो, या फिर तुम कुछ साइड हसल कर रहे हो, कुछ साइड बिजनेस कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है, या फिर पैशन को फॉलो कर रहे हो, फिल्म मेकिंग कर रहे हो, डायरेक्शन कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, वट एवर यू डू, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स में हो, एनीथिंग यू डू, उसमें बात आ जाती है कि पैसा कैसे कमाएगा, फिर इनको पैसे की चीज बात चाहिए, अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार छोटी सी इसको मैं इतना क्यों बढ़ा रहा हूं, एक्चुअली मैं नहीं बढ़ा रहा, तुम फील करोगे 16, 17 में वो फील करना स्टार्ट कर दिया होगा, 18, 19, 20 में फील करोगे, और जैसे कि मैंने कहा सोशल पर्सन हो, लोगों से बात करते हो तो वो पूछेंगे क्या बताना चाहिए, डेट्स पे जा रहे हो, बंदी पूछेगी बहन चुप क्या कर रहा हो, तो भाई और क्या बताऊं, इससे मैं कोर्स बेचता हूं वैसे तो अभी नहीं बेचता मैं, या फिर कुछ भी चीजें तुम ऐसी जब आएगी तो तुम क्या बोलोगे, द बेस्ट थिंग इज यू कैन डू इज एक्सेलरेट इन अ फेलियर वे, बैम। ये चीज मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो सिंपली वे में अपनी खराब जिंदगी को एक लेवल और खराब करके बता दो, सबसे नहीं, कुछ लोगों से सीरियसली भी बात करनी चाहिए, बट नहीं फर्क पड़ता यार उनको बहनचो, ठीक है, वो बस पूछेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या फिर क्योंकि एट द एंड तुम कुछ न्यू कर रहे हो, ठीक है, तुम एट द एंड कुछ जेन्युइनली न्यू ट्राई कर रहे हो तो उनको नहीं फर्क पड़ेगा, ये बहनचो मार्क्स पास यार, हाँ तुम कुछ न्यू ट्राई कर रहे हो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हाँ एग्जैजरेट मार दो, ठीक है, और मैं पता है बहुत चूतिया एग्जैजरेट मार देता हूँ, मतलब जो मेरे दोस्त यार होते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सबके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, जो दोस्त यार होते हैं उनको मैं कहता हूँ अरे बहाने मत आए वैंचो, हमें क्यों पढ़ाई करनी है वैंचो, हम क्या करें वैंचो, ठीक है, वैंचो वैंचो में थोड़ा वर्ड यूज कर लेता हूँ, और भाई मैं क्या, मैं तो मुठ मारता हूँ पूरे दिन, भाई मैं क्या, मैं तो वैंचो पढ़ता ही नहीं, भाई मैं क्या, मेरे से होता ही नहीं, मैं क्या, मेरे घर वाले कमाते हैं ये वो, ठीक है, अवॉइड करना सीखो यार इन बकचोदियों में, अगर तुम सीरियस होकर बात बताओगे ना तो तुम्हें वो एक लेवल ऑफ जज करेंगे कि ये कुछ फोड़ना चाह रहा था, फोड़ नहीं पा रहा, और फिर क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पता नहीं मेरी लाइन इधर उधर क्यों जा रही है, कैमरे के सामने अलग ही नर्वसनेस आ जाती है, लेकिन वन टेक में ही बहन तो शूट करूंगा मैं इसे, ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम अपने गोल्स नहीं बता सकते भाई सबको, एंड्रयू हुबरमैन वाली बात है, हो सकी तो मैं क्लिप भी यहां पर लगा दूंगा, इट विल टेल अस दैट द पॉजिटिव फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम अदर्स व्हेन वी अनाउंस दैट वी आर गोइंग आफ्टर अ गोल एक्टिवेट सर्टेन रिवॉर्ड सिस्टम्स एंड मोटिवेशन सिस्टम्स विद इन आवर ब्रेन दैट देन क्विकली डिसिपेट एंड देन डिमिनिश द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल एंगेज इन द टाइप ऑफ बिहेवियर्स दैट एक्चुअली लीड अस टू अचीव दैट गोल। उन्होंने भी कहा था डोंट टेल योर गोल्स टू एनीवन टू एवरीवन बिकॉज अगर तुम गोल्स बता देते हो तो उसको अचीव करने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, तो तुम गोल्स तो बताओगे नहीं तो तुम बकचोदी पे लो एग्जैजरेट मार दो, और एग्जैजरेट मारना इतना जरूरी है ना कि मैं बता नहीं सकता यार, ठीक है, सिंपली वे में मतलब प्रखर ने भी इसके बारे में बात की थी, प्रखर एक पॉडकास्ट बनाता है बंदा, उसने भी बात की थी कि 26, 27 में जब शादी वगैरह का टाइम चल रहा होता है, मतलब
शादी वगैरह के टाइम क्या बोलो, मतलब शादी वगैरह घर वाले करवाना चाहते हैं, ठीक है, 26, 27, 25 में भी, ठीक है, तो वहां पर चीज रहती कि यार लड़की कैसी है, तो एक्सरसाइज मार दो, मैंने ढूंढ रखी और कि मैंने ढूंढ रखी है और वो अलग कास्ट की है, अलग वे की है, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो समझते हैं ऐसा, ठीक है, तो एकदम फुल स्टॉप अलग ही लेवल पे एक्सरसाइज मार दो, ठीक है, घर वालों को विश्वास भी ना हो और उन्हें लगे भी हो भी सकता है, समझ रहे हो, उस टाइप की चीज निकल आए, ठीक है। अनजान लोगों के साथ बकचोदी करो, लेकिन एक अलग वे में गालियों का प्रयोग मत करो, वो भी तुम कर सकते हो, अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई करके। देन फैमिली के लिए, जैसे कि मैंने कहा, इसमें तुम बकचोदी तो नहीं, इसमें तुम एक रियलिटी एस्पेक्ट के साथ बता सकते हो कि ऐसे ऐसे मैं चीजें अचीव कर लूंगा या फिर हो जाएगा, बट उसमें भी तुम कमिटमेंट मत रखो, खुद के साथ कमिटमेंट रखो, घर वालों को भाई बात है यार, इतने सारे लोग, इतनी सारी पॉपुलेशन है, नहीं हुआ तो तुम्हारी गांड टूटेगी बेफालतू में, ठीक है, और हो गया तो तुम्हें ही बेफालतू में सर पे चढ़ाएंगे, होना और ना होना दोनों अलग एस्पेक्ट, एक्सेप्ट एस्पेक्ट है, फक मेरी इंग्लिश जैसी भी है, ठीक है, काम चला लो, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी तो होगी। बाकी यही थी एग्जेजरेशन के ऊपर वीडियो, तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो हमेशा ऐसी रिवायती रहेगी और मैं ट्राई करूंगा इम्प्रूव करने का, बाकी कमेंट में गाली दे सकते हो, अदरवाइज गाना बनाओ।